गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर में। आज हम 20 जनवरी और आज के जितने भी शिक्षा विभाग के समाचार हैं इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज के अपडेट क्या है। दूसरे दिन भी रिट प्रमाण पत्र लेने के लिए सेंटर पर उमड़े अभ्यर्थी। जिले में दो अलग अलग स्कूलों में प्रमाण पत्र वितरित करने के सेंटर बनाए जोधपुर। परिजन भी ले सकते हैं प्रमाण पत्र। नेक्स्ट अपडेट क्या है, चलते देखिए। शिक्षक को एपीओ करने के आदेश पर रोक, विधायक से जवाब मांगा। नेक्स्ट अपडेट क्या है, चलते देखिए दोस्तों। प्रवेश के लिए 31 तक मांगे आवेदन, इग्नू 70/2022 प्रवेश के लिए। बोनस अंक के लाभ से वंचित करने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, राजस्थान हाईकोर्ट। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 का मामला। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है, फायरमैन सीधी भर्ती परीक्षा 29/1/2022 को 10 से 12 बजे के बीच और सहायक अग्निशमन अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 29/1/2022 2:30 से लेकर के 4:30 बजे तक। नेक्स्ट अपडेट क्या है, चलते देखिए दोस्तों। अनुकंपा नियुक्ति पर विवाहित पुत्री का भी हक, पुत्र और पुत्री में नहीं हो भेदभाव, हाईकोर्ट। नेक्स्ट है, चलते देखिए। अप्रैल मई में हो सकती है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की परीक्षा। एनटीपीसी अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर शुरू किया वन स्टूडेंट वन रिजल्ट अभियान। शिक्षक भर्ती में एक से अधिक पद की योग्यता पर करने होंगे अलग अलग आवेदन। प्रमाण पत्र लेने के लिए केंद्र पर उमड़ी रही भीड़। वेबसाइट पर अपलोड होगी AEN 2018 परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं। मेधावी विद्यार्थियों की लैपटॉप योजना 3 साल से ठंडे बस्ते में। बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम देने वाले मेधावी विद्यार्थी कर रहे हैं लैपटॉप मिलने का इंतजार। नीट UG की काउंसलिंग शुरू, आज से विकल्प भरने का अवसर। 24 जनवरी तक विद्यार्थी पंजीकरण के साथ कर सकते हैं फीस जमा। अलवर के राज ऋषि कॉलेज में सैकड़ों की भीड़ में कोरोना पॉजिटिव परीक्षा देने पहुंचा। अलवर जिले में 1244 रिकॉर्ड पॉजिटिव मिले। मुख्यमंत्री गहलोत ने गणतंत्र दिवस समारोह में छात्र छात्राओं के शामिल होने पर लगाई रोक। वेर में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने के आसार बने। अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी इनोवेशन नेशनल फेलोशिप 2022-23 से संबंधित। 31 जनवरी से पूर्व सत्यापित कर भिजवाना होगा छात्रवृत्ति आवेदन। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हेतु वर्ष 2021 और 22 से संबंधित। सिविल सेवा में है अनंत संभावनाएं। स्टेनो भर्ती 2018 का परीक्षा परिणाम शीघ्र जारी करने हेतु सौंपा ज्ञापन। कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा से मिले सचिवालय PAPS यूनियन एवं महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष। शिक्षा मानदंड पूरे करने वाले स्कूलों में प्रस्ताव मांगे। सच, प्राथमिक शिक्षा के 10,000 शिक्षक मिलेंगे। स्टेनो भर्ती परिणाम जारी करने की मांग। प्रदेश में कब तक चला NTT कोर्स हाईकोर्ट। निजी स्कूलों में फीस का फसाद, बच्चों की न पढ़ाई न परीक्षा मिलती है केवल धमकियां। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 29 जनवरी को होगी दो भर्ती परीक्षाएं। फायरमैन सीधी भर्ती परीक्षा। नेक्स्ट अपडेट क्या, चलते हैं। रिट परीक्षा की जांच CBI से करवाने की मांग। किरोड़ी लाल मीणा का SOG ऑफिस पर धरना, अभ्यर्थियों के हक के लिए लड़ने की कही बात। रेलवे भर्ती सेल, मध्य प्रदेश अप्रेंटिस के 2422 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित, 16 फरवरी अंतिम तिथि। TGT पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी। सहायक प्रबंधन ग्रेड A पदों पर नौकरी के अवसर।
ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं। डेली आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।